गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। हम मॉरल एजुकेशन में फर्स्ट लेसन को पढ़ रहे थे, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे थे, गॉड्स ग्लोरी, भगवान की महिमा। उसी के नेक्स्ट पैराग्राफ से आज स्टार्ट करते हैं। संत अगस्टीन थॉट अबाउट द वर्ड्स ऑफ द चाइल्ड एंड द ग्रेट ट्रूथ बिहाइंड देम। संत अगस्टीन ने उस बच्चे के शब्दों के बारे में सोचा, वर्ड्स ऑफ द चाइल्ड एंड द ग्रेट ट्रूथ बिहाइंड देम, और उन शब्दों के पीछे बहुत ही बड़ी सच्चाई छिपी थी। ही देन अंडरस्टूड, तब वह समझ गया, दैट इट वॉज गॉड हिमसेल्फ, कि ये खुद भगवान था। ही रियलाइज दैट गॉड वॉज वेरी ग्रेट, उसने महसूस किया कि भगवान बहुत ही महान है। एंड दैट वी कैन नो ओनली वंस ऑफ हिज ग्लोरी, और हम केवल उसकी महिमा को समझ सकते हैं, बट नॉट एवरीथिंग अबाउट हिम, वो लेकिन उसकी सभी चीज़ों के बारे में हम नहीं समझ सकते। हिज माइंड वॉज नाउ एट पीस एंड ही वॉज हैप्पी, अब उसका जो दिमाग था वह शांतिपूर्ण था। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत ही खुश था। दैट द गोल्ड एलिमेंटी हैड टाट हिम एन इम्पोर्टेंट लेसन, कि भगवान सर्वशक्तिमान है और उन्होंने उसको एक इम्पोर्टेंट पाठ पढ़ाया है, लेसन सिखाया है। संत अगस्टीन लेटर बिकेम ए ग्रेट राइटर एंड थिंकर, संत अगस्टीन बाद में जाकर के बहुत ही बड़े राइटर और विचारक बने। एंड गेव द वर्ल्ड मैनी आइडियाज़ ऑफ, उन्होंने संसार को बहुत सारे आइडिया दिए, मैनी आइडियाज़ ऑफ गॉड, भगवान के, एंड हिज ग्रेटनेस, भगवान के और उसकी महानता के, थ्रो हिज बुक्स, उसकी किताबों के माध्यम से बहुत ही अच्छे विचार दिए। मॉरल शिक्षा, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड, भगवान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इस कहानी का जो शीर्षक है वो क्या है, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड, भगवान के बिना कुछ भी संभव नहीं है, सब कुछ असंभव है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे लेसन का लास्ट चैप्टर, लास्ट पैराग्राफ था। आज हमारा फर्स्ट लेसन कम्प्लीट हो चुका है, आप सभी को इसको रीड करके देखना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।